हे गाइस वेलकम बैक, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टेड वीडियो में। तो वीडियो में आप लोग एंड तक रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, सो बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो ये सोशल मीडिया पर जब से ये राधा देवी अरियारी आई हुई हैं, तब से ये सोशल मीडिया एक जंग का मैदान बन गया है। मतलब पहले इनकी शिवानी कुमारी से लड़ाई हुई, उसके बाद उनके बेटे सोनू अरियारी से बहुत कंट्रोवर्सी चलती रही इधर से उधर, उसके बाद फिर ये सूरज अरियारी उनकी चाची, फिर पता नहीं किस किस से इनकी लड़ाइयाँ चलती रहीं। अब एक और नया मैटर हाल ही में चल रहा है नितिन को लेके। तो भाई ये राधा क्या करने वाली हैं पता नहीं। तो आज मैंने नितिन की वाइफ से हमारी बात हुई है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं मिलना चाहती थी, मैं राधा से भी मिलने गई थी अरियारी और शिवानी कुमारी से भी। तो मैंने सोचा नितिन की वाइफ से भी एक बार मिला जाए, तो मुझे उनका एड्रेस भी पता नहीं था। तो आज फाइनली मैंने नितिन की मैडम से बात की हुई है, तो आपको मैं दिखाऊंगी और आगे वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो में एंड तक रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो ये राधा बहुत ही गलत कर रही है नितिन की वाइफ के साथ में, लेकिन वो बहुत ही मुझे लगता है कि ठीक है ये। और इसमें राधा की पूरी गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें पूरी गलती नितिन की भी है। नितिन चाहे तो राधा कौन होती है उसको रखने वाली। तो सबसे बड़ी गलती तो इसमें नितिन की मुझे लगती है, क्योंकि नितिन चाहे तो आज अपने घर आ सकता है, नितिन चाहे तो कभी भी अपने घर पे आ सकता है, और ये जितनी भी लड़ाई चल रही है सब बंद हो सकती है। इसको सिर्फ राधा को ही दोषी सारे लोग मान रहे हैं, मैं तो इसमें नितिन को सबसे बड़ा दोषी मानूंगी, क्योंकि अगर वो चाहे तो ये सब कुछ बंद हो सकता है। राधा कौन होती है उसको पकड़ने वाली, रोकने वाली, वो चाहे जब भी अपने घर आ सकता है। लेकिन भाई सबसे बड़ा गलत तो ये नितिन ही है। आप लोगों की राय क्या है? मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी गलती ये नितिन की है, माना राधा की भी है लेकिन सबसे ज़्यादा नितिन की है। तो मैंने चलो आपको दिखाते हैं कि मैं नितिन की वाइफ से क्या बात की है। तो चलो दिखाते हैं आपको। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने मैसेज किया हुआ था राधा की मैडम को कि मुझे अपने घर का एड्रेस बताइए, तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया। मैं फिर समझ नहीं पाई, फिर उन्होंने मुझे फुल एड्रेस दिया, पूरा एड्रेस बताया। तो हो सकता है मैं बहुत जल्द उनसे मिलने वाली हूँ, कब मिलूँ पता नहीं, लेकिन मिलूँगी ज़रूर मैं, क्योंकि जाती रहती हूँ दिव्यापुर, तो मैं ज़रूर मिलूँगी। अरियारी में कई बार गई हूँ, राधा से भी मिलने गई, लेकिन वो थी नहीं जब। तो ये सच्चाई पूरी क्या है उनकी, नितिन की मैडम से मिलकर ही आपको दिखाएंगे पूरा सच क्या है। और क्या आप लोग भी मेरी तरह पूरी गलती नितिन की मानते हैं या नहीं, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें कौन सबसे ज़्यादा गलत है कौन नहीं। और भाई राधा तो पता ही नहीं कहाँ है, उनके चैनल पर भी नहीं दिख रही हैं, किधर छिप गई हैं, आई डोंट नो। तो अगर ये नितिन की मैडम मेरा वीडियो देखती हैं तो मैं आपसे मिलने आऊँगी ज़रूर। तो ये नितिन की मैडम अगर मेरा वीडियो देख रही हैं तो मैं उनको सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने हमारे मैसेज का हर एक मैसेज का रिप्लाई बहुत ही अच्छे से प्यार से किया, और मुझे अच्छा लगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैसेज का रिप्लाई करने के लिए। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगी, फिर मिलते हैं, मिलके बात करेंगे क्या है सच क्या नहीं। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी नई इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, और भी कई सारे हमारे पास ऐसे रिप्लाई आए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, और इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।